नमस्कार, आप देख रहे हैं नांदी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को पहला नंबर मिलने पर पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ ने जिलेवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय इंदौर की जनता को जाता है। हमने शहर के हित में कुछ सख्तियां जरूर की हैं, जिससे इंदौर देश भर के स्वच्छ शहरों में चौथी बार पहले नंबर पर आया है। इसके साथ ही पूर्व की कांग्रेस सरकार को उन्होंने विकास की राह में रोड़ा बताया। मालिनी गौड़ से बात की हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। इंदौर फिर पहले नंबर पर आया है। हमारे साथ इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ जी हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या ऐसे टिप्स रहे जिसकी वजह से इंदौर चौथी बार आया और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं स्वच्छता का पूरा श्रेय इंदौर की जनता को दूंगी, जिन्होंने अवेयर होकर, हम कितना भी कुछ कर लेते हो जनता अवेयर नहीं होती तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हाँ, थोड़ा सा स्टिक होना पड़ा, थोड़ा स्पार्ट फाइंड करना पड़ा, लेकिन आज इंदौर की जनता अवेयर हुई है और जिस प्रकार से हमने मिशन बनाकर काम किया, जनता ने पूरा सहयोग किया और आज जनता के आदत में आ गया है और वे लगातार लगातार स्वच्छता की ओर ध्यान देकर काम कर रहे हैं, चाहे वो होम कंपोस्टिंग हो या कचरे का हो या अन्य स्वच्छता संबंधी कोई भी काम हो, वे लोग लगातार हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। तो मैं ये अवार्ड भी जनता को समर्पित करती हूँ और आगे भी सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि इसी प्रकार वे काम करते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। 15 महीने कांग्रेस की कार्यकाल की सरकार रही है, अधिकारियों की भी, आपसी समन्वय को लेकर कोई बात, क्योंकि कांग्रेस बोल रही है कि उसके कार्यकाल में काम हुआ इसलिए इंदौर नंबर बनाया है। आप इंदौर की जनता से पूछ सकते हैं। 15 महीने तो हमारा तीसरा अवार्ड मिल चुका, उसके बाद सरकार आई थी और जिस प्रकार उन्होंने काम किया है वो सभी लोग देख रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज भैया के नेतृत्व में काम कर रही है और काफ़ी आशीर्वाद मुझे उनका रहा है और उन्हीं के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ी हूँ। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों में इस प्रदेश का सत्यानाश किया है वो सभी लोगों ने देखा। ये थी इंदौर की पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर की जनता को इसका पूरा श्रेय जाता है। इंदौर की जनता अवेयर हुई और यही वजह रही कि इंदौर नंबर वन आया है। उन्होंने एक बार फिर अपील की इंदौर की जनता से और साथ ही प्रदेश के दूसरे जनप्रतिनिधियों से कि स्वच्छता को लेकर जो काम किया जा रहा है वो शिद्दत के साथ इंदौर में किया जा रहा है। आने वाले समय में इंदौर ट्रेनिंग सेंटर जैसे दूसरे पहलू पर भी विचार कर रहा है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ आशीष मंगल, सोनी अनादि टीवी, भोपाल।